हेलो एवरीवन, मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ और जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और जो चैप्टर है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पेंसिल को ये तो पतला ही है और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और देखिए, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए मैं कुछ बात आपको बता रहा हूँ। ऑक्सी, इसको और पतला कर लेता हूँ फिलहाल। ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन में मैं बोल सकता हूँ दी प्रोसेस, the process in which oxygen is added। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा टू ए सब्सटेंस, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ऊपर में जो रिएक्शन है उसको भी मैं समझाऊंगा, उसमें भी वही बोला गया कॉपर है और ये अगर O2 के साथ रिएक्ट होगा, कॉपर जो है वो O2 के साथ रिएक्ट होगा तो ये बन जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? ये कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है ना, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसी प्रकार से और भी हम लोग कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि द प्रोसेस इन विच, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे H2S है और फिर यहाँ पे O2 है और इससे क्या बन जाएगा, S+H2O। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने से भी इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ और हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ZN है, ठीक है, जिंक है और जिंक दो इलेक्ट्रॉन अपना अगर लूज कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बातें बताया आपको ऑक्सीडेशन का। इसी प्रकार से अब हम लोग कुछ बात देखेंगे रिडक्शन का। रिडक्शन तो देखिए, उल्टा कर दूंगा अगर मैं सब बात को तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। जैसे कि द प्रोसेस इन विच, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस, ठीक है ना। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में पोटासियम क्लोरेट, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और
अगर यहाँ पे रिएक्शन के बाद मेरे को पोटासियम क्लोराइड मिल जाए और ये ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव्ड हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव्ड हो रहा है, ठीक है ना। मैंने बैलेंस नहीं किया है, ठीक है, बैलेंस कर देता हूँ। देखिए ऊपर का भी रिएक्शन सबको बहुत सारा मैंने बैलेंस नहीं किया है, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझाने में है आप लोगों को, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग रिडक्शन के लिए और एक बात बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए सोडियम है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये बन जा रहा है सोडियम हाइड्राइड कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे और एक बात मैं बोल सकता हूँ, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, ELECTRON इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ ZN2 पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, और इसमें ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, वापस ये ZN बन जाएगा। तो देखिए सब बात एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या था, प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन, और नीचे में हम लोग क्या लिखे, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड मतलब रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड मतलब रिडक्शन। और उसके बाद में फिर यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा हुआ है, लूज इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन, और गेन इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। आई होप कि आप सबको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आओगा। अब एक बार वापस आ जाते हैं आपके बुक के अंदर में, NCERT में जो लिखा हुआ उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक्टिविटी दिया गया है, बोला गया हीट ए चाइना डिक्स कॉन्टेंट अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, मतलब कॉपर को हीट करने के लिए बोला गया है। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि जब हम लोग कॉपर को हीट करेंगे, यहाँ पे पेन को थोड़ा मैं पतला कर दिया था ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर को जब हम लोग हीट करेंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे दिया है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, वो ब्लैक कलर का फॉर्म हो जाएगा और वो बन जाएगा ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। व्हाई दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, ऐसा क्यों हुआ पूछा गया है, क्योंकि क्या हुआ, पहले कॉपर अकेले था जिसका कलर ब्राउन था, फिर क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया और वो क्या बन गया, वो बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड, जिसके कारण अब उसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ये रिएक्शन में ये चीज़ बताया गया है, ठीक है, एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा गया, ये कॉपर था, ऑक्सीजन था, यहाँ पे हीट मिला इसको, गर्म हुआ, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब बोला गया इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल, फिर बोल रहा है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड था, अगर इसमें हाइड्रोजन गैस अगर पास किया जाए तो क्या होगा, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न ब्राउन। देखिए जैसे कि जब कॉपर को हीट किया गया तो ऑक्सीजन मिलकर के कलर ब्लैक हो गया था, फिर कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस पास किया गया तो वापस से उसका कलर क्या हो जा रहा है, ब्राउन हो जा रहा है। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, यहाँ पे हो क्या रहा है कि रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये आपका कॉपर ऑक्साइड था और जब हाइड्रोजन गैस पास किया गया तो यहाँ पे क्या मिल गया, वापस से कॉपर मिल गया और कुछ वाटर रिलीज हुआ, ठीक है।
फिर क्या बोला गया यहाँ, इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्साइड, अभी जो मैंने आपको बताया था। और फिर बोला गया इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, अगर ऑक्सीजन रेट रिड्यूस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस बोलेंगे। फिर देखिए कुछ बात है यहाँ पे, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बींग रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, और ये क्या बन जा रहा है यहाँ पे कहाँ गया, हाँ लूज ऑक्सीजन एंड बींग रिड्यूस, और द हाइड्रोजन इज गेनिंग एंड द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बींग ऑक्साइड, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्या गेन कर रहा है, ऑक्सीजन, और ये क्या बन जा रहा है, ऑक्साइड बन जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेन ऑक्साइड वाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब कि ऐसा रिएक्शन, जैसे इस रिएक्शन को देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और एक आपका ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एक ही रिएक्शन में अगर ये दोनों होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसी का नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ये बात याद रखिएगा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे कि एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है कि यहाँ पे मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा ये रिडक्शन हो रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास Cu है ये आपका रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। और जो Zn है वो क्या कहलाएगा, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सॉरी Zn बोल रहा हूँ मैं, ये आपका हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है ना। और एक बार मैं आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहते आप लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोज रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली, ठीक है, मतलब एक साथ, और कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। और एक चीज़, जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है ना। इसका बाद में हम लोग और एग्जांपल देखेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना। तो और आगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या बोला गया है, इन रिएक्शन 1.31 कौन सा रिएक्शन था भाई, ये 1.10 है ना, ठीक है। यहाँ पे बोला गया इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्साइड टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस टू Zn, इन दिस रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्साइड टू Cl वेर एज MnO इज रिड्यूस टू MnCl, फ्रॉम द एवो एग्जांपल वी कैन से दैट इफ ए सब्सटेंस गेन और लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिडक्शन इट इज ऑक्साइड, इफ ए सब्सटेंस लॉस, ये वाला चीज़ तो मैंने आपको ऊपर लिखा दिया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके आगे जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आई होप कि अभी तक जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इन टॉपिक में से कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कॉमेंट के माध्यम से एक बार मुझसे पूछे, ठीक है।